सुप्रभात, डीएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो सब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो सब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसकी विशेषता कुछ भी हो सकती है, चाहे उसकी अच्छाई हो, बुराई हो, उसका गुण हो, अवगुण हो, दोष, आकार, रूप, रंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे लंबा, सुंदर, काला, खट्टा, मीठा, गोरा, काला, चौकोर, गोल, लंबा, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 लीटर, कोई भी चीज, जो भी चीज है, जो भी ये सब है, ये उसके संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेष किसे कहते हैं? विशेष क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे आम मीठा है। अब आम मीठा है, इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है? तो मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये किसकी विशेषता को बता रहा है? आम। तो आम की विशेषता को बता रहा है कि ये विशेष हो गया, यानी कि मीठा, आम मीठा है, मीठा विशेषण शब्द हो गया और आम की वो विशेषता बता रहे हैं, आम विशेष शब्द हो गया। वही चीज यहाँ पर है, कौवा काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कौवा क्या हो गया? विशेष, क्योंकि ये विशेष हो गया, कौवा काला है, ये विशेषण है और एक किसकी विशेषता को बता रहा है? कौवा की, इसलिए कौवा विशेष हो गया। लड़की सुंदर है, सुंदर विशेषण हो गया और एक किसकी विशेषता को बता रहा है? लड़की, तो लड़की विशेष हो गया। यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है उसको विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता को बताई है वो विशेष कहते हैं। मीठा, काला, सुंदर, खराब, वो विशेषण हो गया, लेकिन इसकी विशेषता को बताई जा रही है। जैसे आम, आम विशेष हो गया, कौवा विशेष हो गया और लड़की विशेष हो गई। अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? सबसे पहले यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वभाव, दोष आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चूहा मोटा है, तो चूहा क्या है? मोटा है, ये उसकी विशेषता है, मोटा। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े, बूढ़े क्या हो गया? विशेषण हो गया। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, उसमें खट्टे विशेषण हो गया। तो ये उसकी गुण को, उसके दो रूप और दोष को बता रहा है, वो गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसमें कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने 4 पेन खरीदा, मेरे पास 2 पेंसिल हैं, रोहन परीक्षा में प्रथम आया, तो ये 4 पेन ये संख्या का बोध करा है। कक्षा में कई बच्चे हैं, यानी कि निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। रोहन परीक्षा में प्रथम आया, प्रथम भी संख्या है, तो जहां पर संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जहां हम निश्चित होते हैं, जहां की गिनती
गिनी जा सकती है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में गिनती नहीं की जा सकती। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दो, चार, पाँच, पहला, दूसरा, आठवां आदि। यानी कुछ भी आप बोल सकते हैं कि मुझे दो किलो आम चाहिए, दो आम चाहिए, चार लोग चाहिए, पांच केले चाहिए, तो जिसकी गिनती की जा सकती है, पहला, दूसरा, या भी गिनती का रूप है, तो ये गिनती की जा सकती है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जिसमें किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें पता नहीं होता है कितनी गिनती करनी है, कुछ चॉकलेट, अब चॉकलेट तो है लेकिन कुछ है, अब उसमें दो भी हो सकते हैं या दस भी हो सकते हैं या बीस भी हो सकते हैं। कई नहीं बताएंगे कि कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है या दस व्यक्ति है, जिसमें वही व्यक्ति हो गए। बहुत से घोड़े तो दौड़ रहे हैं, कितने घोड़े हैं नहीं पता है, यानी बहुत ज्यादा, जिसकी गिनती यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप या तौल, जो नाप और तौल करके जो समान देते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्द के परिमाण का यानी कि उसके नाप तौल का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने दो किलो चीनी लिया तो दो किलो ये परिमाणवाचक में आ गया। थोड़ा दूध, बोतल में थोड़ा दूध बचा है तो उसका भी, जैसे ये तो निश्चित है कि हमने दो किलो चीनी खरीदा, लेकिन बोतल में जो थोड़ा सा दूध है उसका माप तो संबंधी हम कंफर्म नहीं है कि वो कितना है, लेकिन थोड़ा सा है। बोरे में कई बोर गेहूँ है, वो कई बोरियाँ रखी हुई हैं, तो कई बोरियाँ जिसकी गिनती नहीं है, जिसका कि वेट भी नहीं पता है, कि जिसका माप तो नहीं पता है कि कितनी बोरियाँ हैं, कितने किलो हैं, कितने लीटर में हैं, ये नहीं पता है, लेकिन कई हैं। यानी यहाँ निश्चित है और ये दोनों अनिश्चित परिमाणवाचक में है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण में आपने पढ़ा कि उसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह परिमाणवाचक में भी हम पढ़ेंगे निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वो सब जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा बताते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम पता है कि हमें कितना सामान खरीदना है, जैसे हमने पाँच किलो चावल लिया तो पाँच किलो ये निश्चित परिमाण है कि हमें चावल लेना है, लेकिन कितना लेना है, पाँच किलो। कपड़ा मुझे खरीदना है, कितना खरीदना है, दो मीटर, उससे अधिक हमको नहीं लेना है। दूध है, दूध कितना है मेरे पास, आठ लीटर दूध लेना है। तो ये जो परिमाण है, ये जो मापतौल संबंधी जो सामान है वो एक निश्चित परिमाण है जिसे हमें पता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मापतौल बताते हैं वो अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक कहलाते हैं। इसमें उसकी माप तौर की लिमिट नहीं होती, जैसे कितना लेना है, थोड़ा सा धान है, थोड़ा धान है, कुछ संतरे हैं जिसकी गिनती नहीं है, इसका किलो और लीटर नहीं है, कुछ है सब्जी है लेकिन कम है, उसको भी माप में या तौल में नहीं रखा गया है, थोड़ी सी सब्जी है। अब लास्ट में तीसरा परिमाणवाचक है, चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसे दो नाम से बुलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बताता है
वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो सर्वनाम शब्द, यहाँ पर आपने देखा कि लिखा है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, उस संज्ञा की विशेषता को बताता है, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द, अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि यह कार मेरी, तो कार क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम। तो जो सर्वनाम, यह कार मेरी है, यानी कि संज्ञा से पहले यह सर्वनाम शब्द लगा है और यह संकेत करता है कार की तरफ, इसलिए संकेत वाचक विशेषण कहलाता है। वे खिलाड़ी अच्छे हैं, खिलाड़ी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले आपने देखा कि परिभाषा में लिखा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता है उसकी विशेषता को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और वे क्या हो गया? सर्वनाम। यानी संज्ञा से पहले हमने सर्वनाम को बोल दिया है तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि चोर, चोर क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले हमने क्या लगाया है? वह। यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा है इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसमें दो तरह के संज्ञक होते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ हमने लिखा कि यह कार मेरी, या कार मेरी, इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखेंगे कि यह मेरी कार है, आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, दोनों सेंटेंस में कुछ ना कुछ अंतर। अब यहां पर देख रहे हैं आप, यह कार मेरी, कार क्या हो गया? संज्ञा हो, और यह सर्वनाम हो गया, संज्ञा से पहले लगा है सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम विशेषण है। लेकिन यहाँ पर वही सेंटेंस मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, यह मेरी कार, यह मेरी कार है, यानी यह तो सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है, कार यहाँ पर है, संज्ञा यहाँ पर है, तो संज्ञा से पहले हमें सर्वनाम नहीं लिखा, यह सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर यह वाक्य है मेरी आ गया, इसलिए सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि संज्ञा के जस्ट पहले, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम रख करके उस वाक्य को शुरू करते हैं वही सर्वनामिक विशेषण होता है। जहाँ पर संज्ञा हो या विशेषण हो उसके बाद संज्ञा लगता है वो सर्वनामिक विशेषण नहीं कहलाता है। धन्यवाद, उम्मीद है आज का यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना पाठ तैयार करेंगे।